नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका कोड अपडेट को लेकर, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि क्या हुआ आज कोर्ट में। तो कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बस अब अभी हम तुरंत के तुरंत एकदम समझ लो आए ही हैं, मुंह धो के बस शुरू कर दिए। देखो है क्या यहाँ पर कि आज जो है सब कुछ सही रहा, सब कुछ सकारात्मक रहा और सब कुछ सही रहा मतलब अगले डेट में, तो हो सकता है कि ये वाला वीडियो स्टे हटने के पहले का ही वीडियो हो। तो देखो अगली तारीख जो है 24 तारीख मिल गई है, और इस तारीख में क्या क्या हुआ वो बात करेंगे यहाँ पर। देखो जैसे पहले पहले बताया था यहाँ पर कि अगली जो 2 से 3 डेटें हैं ये इस स्टे मतलब कि हटने की आखिरी तारीखें हैं जो भी चल रही हैं। ये बस 1 तारीख आज निकल गई है, अगली तारीख है 24 तारीख, तो बस यही आखिरी तारीखें हैं इसकी, इसी में डिसाइड हो जाएगा ये। तो ये मतलब ऐसा नहीं मन रखने के लिए है, क्योंकि ये मतलब कि चीज़ें जैसी चली आज कोर्ट में हुआ उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। देखो हुआ क्या कि सुबह से बताया था कि मेंशन किया जाएगा और पूरा प्रयास रहेगा कि इसी वाली तारीख में सुनवाई हो, और नहीं किसी कारणवश हो पाई आज, तो इसको कम से कम अगली वाली 23-24 में इसको मतलब थोड़ी सेफ्टी करा ली जाएगी, ताकि कम से कम उसमें सुना जाए। मतलब ऐसा ना हो कि ये आए फिर से पास ओवर चला गया, आगे बढ़ गया, ऐसा ना हो। क्योंकि जिस प्रकार से नंबर आ रहा था ना, 150 नंबर आया था, ये नवंबर भर नंबर ना था इसका, अगले नवंबर में भी ना था। तो यही चीज़ थी यहाँ पर कि इसको किसी प्रकार से जो है मतलब सोर्टी करानी है। तो वो सुबह हुआ कि सुबह मेंशन कराने का जब शुरू हुआ टाइम, तो इतना ज़्यादा कोर्ट भर चुके थे कि मेंशन वहाँ पर वो लिए ही नहीं। मतलब जज साहब जैसे बैठे तो उनको लगा कि इतने सब पूरा कोर्ट भरी थी, तो उनका प्लान चेंज हो गया, बोले कि आज वो सुने जाएंगे जो केवल एको बार नहीं सुने गए, मतलब केस जो है एकदम से नए जो केस हैं वो सुने जाएंगे। तो हुआ कि फिर ये वाला मेंशन वाला काम ही खत्म, केवल एक मेंशन लिए थे, वो भी मेंशन ऐसा था कि वो विदड्रॉ कर रहा था उनको, तो इस वजह से वो लिए थे, बाकी मतलब मेंशन किसी का लिया ही नहीं गया। तो जैसे शुरू हुआ ये मतलब कि जो नए वाले थे, तो शायद 87 नंबर से शुरू हुआ ये, उसके बाद में थोड़ा चला, थोड़ा इधर चला, उसके बाद 110 पे पहुंच गया। तो ये था कि मतलब आज नंबर सुबह तक लंच के पहले नंबर नहीं आएगा, लंच के बाद ही की उम्मीद थी कि लंच के बाद जो है लंच में मेंशन कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि बाद में सुने तो सुनी ले, नहीं तो फिर ये अगली वाली डेट में सिक्योरिटी ली जाएगी, ये पूरा प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि ये 110 वगैरह आया आ गया बीच में, फिर 110 के बाद 140 चलने लगा उधर। तो हुआ क्या कि सारे लोग एक ही जगह बैठे थे वहाँ पर, हम भी थे वहाँ पर, सारे लोग सारे वकील थे वहाँ पर, तो ये प्लान ही हो रहा था कि किस प्रकार से उसको टेकअप कराना है, कैसे क्या है। तो अचानक ये हुआ कि 140-141 चल ही रहा है, 44-45 तक भी आ गया, तो ये हुआ कि अब 45-46 आ ही गया, तो लगे यहाँ चलते 150 पे अपना है ये। तो सारे लोग एक बार खड़े होकर बोलेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें जो है सुन ली जाए, और नहीं सुनेंगे अभी तो कम से कम लंच के बाद इसको कहे बोला जाएगा कि लंच के बाद सुन लिया जाए। तो वही हुआ, और फिर ये जैसे कि 45-46-47-48 करीब नंबर आए, ये सारे लोग खड़े हो गए। तो उसमें हुआ क्या कि फिर ये जैसे ही 150 पे अपना नंबर था ही, तो फाइल तो अपनी पता ही इतनी मोटी है, बहुत मोटी फाइल है वो। उसमें क्या है कि जितनी लड़कियां उधर की हैं करीब, उससे ज़्यादा लड़कियां अपनी वाली लड़कियां मतलब इधर की लड़कियां हैं, जो उनके भी तो सारे कागज़ वगैरह लगे हैं ना उसमें, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हर वो वकालतनामा, ये सब लगा, तो काफ़ी मोटी फाइलें हो चुकी हैं। तो वो फाइल पहुँची, तो हुआ क्या कि बोला गया कि यही वाला मैटर, तो बोले कि तो मैटर सुना अड़ो रहा हो चुका है ना उस पर, बोले हाँ तो हो चुका है। तो बोले आज हम लोग वो सुन रहे हैं मैटर केवल कि जो एकदम से नए हैं। तो हुआ कि रही सर मतलब कि जो इसको आप इंटरवल लंच के बाद है तो सुन लीजिए। होते होते मतलब 3-4-5 मिनट तक करीब इस पर बात हुई। तो हुआ कि इस पर ऑर्डर आ भी चुका है, और दूसरा फिर बोला गया कि 2693 पोस्ट का 126 की वजह से ये मतलब पूरी भर्ती फंसी पड़ी है, तो एक बड़ी भर्ती है, लड़कियों की भर्ती है। तो बोले किस पद के लिए, तो मुख्य सेविका बताया गया। तो मतलब ये सब चीज़ें चलती रहीं, तो फिर मतलब पूरा सुन पूरा मतलब हल्का मतलब मटर पूरा सुन लिए थे वो। उसके बाद बोले चलो 6 को दीपावली के पहले उसको हम डिसाइड कर देते हैं मतलब जो है। तो जब दीपावली के पहले बोले, तो बोले कि डेट बता दीजिए क्या रहे। तो अपने जो वकील थे आलोक मिश्रा, उन्होंने बोला कि 23 तारीख। तो एच एन सिंह ने बोला, जो अनीता सिंह वाले, बोले नहीं 23 नहीं 24 कर दो। तो हो सकता है उनको 23 तारीख को काम हो, उनको भी हो, तो होता है भाई, क्योंकि ज़रूरी उनका भी बिन उनके बिना कुछ हो रहा नहीं है, तो इसलिए उनका ज़रूरी है। तो हुआ कि फिर 24 तारीख कर दो। तो 24 तारीख जो है इसका फिर हुआ कि 24 तारीख फाइनल करो इसको, तो उसमें डिसाइड करते। तो बोले कि एच एन सिंह तो बोले कि मतलब इसको पूरा 30 मिनट तो कम से कम देने पड़ेगा, समय लगेगा पूरा। तो उसमें अलग उस तरह बोले अपने जो कि बोले कि 10 मिनट में हो जाएगा इसको, मतलब बात ही ना कि उनका फोकस है कि इसको पूरा मतलब कि सुना जाए कंप्लीट, मतलब एच एन सिंह का कहना मतलब यही था कि इसको मतलब कंप्लीट डिसाइड किया जाए।
कंप्लीट का मतलब पता है उनको भी, ये कंप्लीट ये अभी होने वाला नहीं है। कंप्लीट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, बहुत सारे जब होता नहीं कि जब चीज़ें खुलने लगती हैं तो परत दर परत और नई नई खुलती हैं, तो कंप्लीट डिसाइड करने में क्या होगा उसमें लंबा समय जाएगा। दूसरा, अभी इसमें एक रिपोर्ट जाँच वगैरह अभी कुछ चल रही है तो उसमें अभी दिक्कतें रहेंगी। तो यही हुआ कि अभी 126 वाला ही पद था, तो उसमें विभाग वाले वकील बोले 126 को ही, मतलब उस पर ही राजी हो रहे हैं सारे लोग जो है, तो 126 को ही प्रयास करा जाएगा कि उसको होल्ड करके आप जो उसको डिसाइड कर दीजिए, बाकी जो अपने बाकी जो वैकेंसी बच रही है 126 को हटा के उसका मैटर अपना आगे सुनते रहिएगा, चलता रहेगा। क्योंकि क्या नहीं कि अब एकदम आखिरी स्टेज पे है ये, अब चला जाएगा एडिशनल में, क्योंकि अब ये सुन गया 26 24 तारीख को, उसके बाद फिर ये चला जाएगा एडिशनल में। तो वही हुआ, बाकी मतलब ये 24 तारीख का डेट मिल गया है, और जैसा आपने खुद कहा है कि दीपावली के पहले इसको हम डिसाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये कि उनका उनका भी फोकस पूरा है कि लड़कियों की बात है, भर्ती लड़कियों की है, तो कम से कम दीपावली जो है सही मन जाएगी इस बार जो है, फोकस उनका भी रहेगा पूरा कि इसको 24 तारीख को, मतलब कोई टेक्निकल पेच नहीं फंसा तो मतलब हो जाएगा 24 तारीख को। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि क्या बोलते हैं, यही मतलब 126 का ही होल्ड करके शायद हो पाएगा, क्योंकि पूरा मैटर तो शायद मुश्किल है, क्योंकि पूरा डिसाइड होने में अभी समय लगेगा इसको, तो फोकस यही रहेगा उनका। जज साहब का भी मतलब इस चीज़ को कन्विंस हो गए हैं, क्योंकि आज जैसे बातें हो रही थी, क्योंकि उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनका भी पूरा मूड है कर देंगे उसको, मतलब बात ये, क्योंकि होता नहीं कि बातचीत से इंसान समझ में आ जाता है इंसान किस मूड में। जैसे कि मुनीर साहब थे इसके पहले, वो जैसे फाइल आती थी ना वैसे उनको मतलब उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, समझ में आ जाता था कि हाँ वो करने के मूड में बिल्कुल नहीं इसको, बात ये। तो इस बार क्या है कि वो मूड में है, कर देंगे इसको, तो सब चीज़ें सही है, मतलब बिल्कुल। अब ये है कि बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, 16 तारीख हो गई, 4 8 दिन की और बात बची है, 24 तारीख जो है सब कुछ सही रहा, अगर कोई इमरजेंसी कोई ऐसी घटना नहीं घटी तो, मतलब कोई नहीं होता नहीं कि अब भाई कोर्टे नहीं बैठी तो फिर क्या कर लोगे, इसलिए कोर्ट बैठे, वकील सारे आ जाएंगे, सब कुछ सही रहेगा, तो मतलब समझ जाना कि डिसाइड हो जाएगा 24 तारीख को। तो बस थोड़े दिन का इंतजार कर लूँ, शायद हो सकता है दीपावली इस बार जो है हो जाएगा सब कुछ सही, दीपावली के पहले पहले सारा कुछ सही हो जाएगा, मतलब जो भी ये मेहनत हुई इतने दिन से ये सारी सफल हो जाएगी दीपावली के पहले। तो बस यही अपडेट है, बाकी बाकी अपडेट मतलब क्या, बाकी तो सारी चीज़ें कुछ इंटरनल चीज़ें चल रही हैं तो वो सारी चीज़ें बता नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर तो क्या लगता है कि डेट लग गई, सुनवाई हो गई, ये आपका हो गया खत्म बात, उसके पहले जो पीछे काम होते रहते हैं, काम हो रहे हैं अब, वो तो चीज़ें चली रही प्रॉपर तरीके जो भी है। बाकी बस यही है, बाकी 24 तारीख तक का इंतजार करिए, बस ये समझ लो कि बस लगभग ये आखिरी समझो बस उसमें, मतलब लेकिन किंतु परंतु वाली बात है नहीं इस बार, क्योंकि सेटिस्फाई मतलब मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिला इस बार, थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने बार हम गए मतलब हर बार ही जा रहे हैं, मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि यार पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कहने का मतलब ये है, लेकिन इस बार मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ चीज़ें सही हैं, क्योंकि उनकी बातचीत से लगा, क्योंकि वो समझ में आता है एक्सप्रेशन इंसान जब बातचीत करता है तो समझ में आती चीज़ें, तो वो कर देंगे उसको मतलब कहने का ये। वो मैंने पहले बताया था, देखो अगर ये जज नहीं करेंगे ना तो फिर हाई कोर्ट में कोई करेगा भी नहीं, फिर सीधा जो लगाया इसको स्टे वही हटाएगा, वो चाहे 1 साल बाद हटे फिर, तो इसलिए क्या है कि ये कर देंगे उसको लग रहा, तो डिसाइड करेंगे ये, बस थोड़ा सा वेट कर लो 24 तारीख तक का बस, बाकी 24 तारीख को ही ये वीडियो बनेंगे, बाकी बीच में कोई मतलब बनता नहीं है, अब बीच में कुछ होना भी नहीं है इसका मतलब बात ये है, तो बस थोड़े दिन का इंतजार और कर लो, 8 दिन की बात बची है बस उसके बाद सब सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।